Good morning, students. Today we are going to do this exercise. Okay, बेटा, देखिए पहले हमने आपको मैंने 21st को आपको ये वाली exercise कराई थी. ठीक है बेटा, find the sum. Page number 32 कराया था और आज हम आपको कराएंगे page number 33. ठीक है बेटा, और मैंने आपको homework भी दिया था, आपने शायद homework कर लिया होगा. ठीक है बेटा, आज हम यहाँ से start करेंगे. Let us start this questions. Okay, sum से. ठीक है, first sum क्या है बेटा, 243 plus 123. हमें क्या करना है बेटा, add करना है, इन दोनों numbers को add करना है. देखिए, पहले हम इसे क्या करेंगे बेटा, put the number in correct vertical column. सबसे पहले बेटा हमें इन्हें वर्टिकल कॉलम में पुट करना है. ठीक है, सबसे पहले हम क्या मेंशन करेंगे, वंस टेंस हंड्रेड. बेटा हमेशा जब भी हम लिखेंगे ना तो राइट साइड से लिखेंगे. ठीक है, राइट साइड से. जैसे क्या है कि अब ये क्या है, 243 है, तो हम क्या करेंगे, पहले वन से स्टार्ट करेंगे, थ्री फोर एंड टू, तो क्या होगा ये 243. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा 123. 120 वंस को वंस में लिखेंगे, थ्री टेंस को टेंस, टू को टेंस में लिखेंगे और वन को हंड्रेड में लिखेंगे. तो हमने क्या लिख दिया, 123. अब हम इनको ऐड करेंगे बेटा. ठीक है, देखिए थ्री एंड थ्री को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, सिक्स. फोर को हम टू में प्लस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, सिक्स. ठीक है, इसी तरह से अब हंड्रेड प्लेस को ऐड करना है. इसमें क्या कौन कौन से नंबर है, टू है और बेटा वन है. ठीक है, अब आपको मैंने पहले भी बेटा समझा चुकी हूँ किस तरह से आपको करना है. ठीक है, जैसे जो नंबर बड़ा होता है उसको माइंड में रखना है. जैसे टू नंबर कीप इन माइंड एंड वन नंबर काउंट ऑन फिंगर. ठीक है, टू एंड वन क्या होगा बेटा, थ्री हो गए. ठीक है, देखिए एक तरह से तो बेटा मेथड ये है, एक दूसरा मेथड ये है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं. जैसे पहले हमें वंस टेंस मेंशन करना होगा ताकि आपको पता चले कि वंस को वन से प्लस करना है और टेंस को टेंस से और हंड्रेड को हंड्रेड से प्लस करना है. ठीक है, अब इसमें कहाँ है वंस, इधर इस साइड से. ठीक है ना, थ्री को थ्री से प्लस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, सिक्स. फोर को टू से प्लस किया है, अभी टेंस प्लेस पर क्या है, फोर. इस टेंस प्लेस पर क्या है, टू. तो फोर को टू से प्लस करेंगे. ठीक है, फोर एंड टू के कितने हुए बेटा, सिक्स. ठीक है, अब टू हंड्रेड प्लेस पर क्या है, टू. इस हंड्रेड प्लेस पर क्या है, वन. अब टू एंड वन कितना हो गए, थ्री. बेटा ऐसे कभी भी प्लस नहीं करना, टू को इधर थ्री से कर दिया, नहीं, ये रॉन्ग है. हमें सबसे पहले देखना है कि वंस वंस को वन से प्लस करना है, हंड्रेड टेंस को टेन से और हंड्रेड को हंड्रेड से प्लस करना है. देखो जब हमने वर्टिकल कॉलम में पुट किया है तो हमने ऐसे ही लिखा है ना, 243 के वंस है और ये भी वंस है थ्री, और प्लस 123. ठीक है, हंड्रेड प्लेस पर क्या है, वन. टेंस प्लेस पर क्या है, टू. और वंस प्लेस पर क्या है, थ्री. 243 प्लस 123 इक्वल 366. ओके, अब देखिए बेटा दूसरा देखिए, इसमें क्या है, दूसरा सम सोल्व करना आपको. 146 प्लस 152 अब हमें ऐड करना है. ठीक है, क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले वंस टेंस मेंशन करेंगे, वंस टेंस हंड्रेड. ठीक है, पुट द नंबर इन करेक्ट वर्टिकल कॉलम. हम इन्हें वर्टिकल कॉलम में लिखेंगे. ठीक है ना, अब क्या है, 146. तो बेटा सिक्स क्या है, वंस प्लेस में. ठीक है, फोर फिर वन. इसी तरह से आप दूसरा भी लिखेंगे, इसके नीचे वंस के नीचे वंस लिखेंगे, टेंस के नीचे टेंस लिखेंगे और हंड्रेड के नीचे हंड्रेड लिखेंगे. अब इसमें वंस कहाँ है बेटा, टू. ठीक है, और ये क्या है, फाइव टेंस और टू क्या है, हंड्रेड. ठीक है, अब आपने सही तरीके से लिख लिया तो बेटा हम जब ऐड करेंगे तो आंसर भी राइट आएगा. ठीक है, अब देखिए आपको बेटा पता है इसमें क्या आएगा, एड द डिजिट इन द वंस कॉलम. पहले हम क्या करेंगे, एड वंस कॉलम को एड करेंगे. वंस कॉलम में क्या है, सिक्स वंस एंड टू वंस. ओके, अब क्या, सिक्स एंड टू एट वंस आ गए. ठीक है,
अब दूसरा देखिए, अब हम टेंस प्लेस, जो टेंस प्लेस पर जो नंबर है उसको ऐड करेंगे, फोर टेंस एंड फाइव टेंस, तो कितने हो गए बेटा, नाइन टेंस। अब हंड्रेड प्लेस को प्लस करेंगे, एड द डिजिट इन द हंड्रेड कॉलम, अब हंड्रेड कॉलम को ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, वन हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड, क्या होगा बेटा, इक्वल टू एंड वन थ्री, टू एंड वन थ्री, ठीक है बेटा। वन हंड्रेड फोर्टी, अब इसी तरह से बेटा वो करना, अब यहां क्या जाएगा बेटा, थ्री हंड्रेड नाइन्टी एट इक्वल वन हंड्रेड फोर्टी सिक्स प्लस टू हंड्रेड फिफ्टी टू इक्वल थ्री हंड्रेड नाइन्टी एट आंसर आ गया, ठीक है बेटा। ऐसे ही थर्ड करना आपको, थर्ड में क्या है, वन हंड्रेड इलेवन प्लस थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री, ठीक है। अब पुट द नंबर इन द करेक्ट वर्टिकल कॉलम, सबसे पहले हमें क्या करना है, वंस टेंस हंड्रेड मेंशन करना है पूरी दिल्ली। अब देखिए, अब इसमें क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा क्या करना है, हमें पुट द नंबर इन द करेक्ट वर्टिकल कॉलम में लिखना है इसे, ठीक है। क्या है सब, फर्स्ट नंबर बेटा वन वन वन, ओके वन हंड्रेड इलेवन। अब क्या है बेटा, थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री है, तो वंस में क्या जाएगा थ्री, टेंस में थ्री एंड हंड्रेड में भी थ्री, अब हमें इन्हें ऐड करना है, ठीक है। अब इसमें से देखना है बेटा, आपको मेथड बताइए कि हमें किस तरह से करना होता है ऐड, जो नंबर बड़ा होता है उन्हें हमें माइंड में रखते हैं, थ्री नंबर कीप इन माइंड एंड वन नंबर ऑन फिंगर, ठीक है, टेक थ्री फोर, एट द डिजिट इन द वंस कॉलम। अब देखिए वंस कॉलम में क्या है, वन प्लस थ्री, अब हम दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर वंस आ गए, ठीक। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो टेंस में जो नंबर क्या क्या है, थ्री एंड वन है, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, थ्री थ्री नंबर कीप इन माइंड एंड वन नंबर काउंट ऑन फिंगर, टेक थ्री एंड वन फोर, तो क्या आ गया बेटा, फोर टेंस आ गए। अब हंड्रेड प्लेस में जो नंबर है उन्हें प्लस करेंगे हम, अब इसमें से क्या है बेटा, बड़ा नंबर, लार्ज नंबर कौन सा है बेटा, विच इज द लार्ज नंबर, थ्री नंबर, थ्री नंबर कीप इन माइंड एंड वन नंबर ऑन फिंगर, ठीक है, थ्री और एंड वन फोर, तो क्या आ गया बेटा, फोर हंड्रेड फोर्टी फोर आ गया, इक्वल वन हंड्रेड इलेवन प्लस थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री, तो क्या आ गया बेटा, फोर हंड्रेड फोर्टी फोर, ठीक है बेटा। देखिए इसी तरह से अब थ्री सम्स मैंने आपको करा दिए, वन टू थ्री, अब ये आपको ये सम्स सोल्व करने हैं, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, यहां से ये आपको करना है, ये आपको करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए बेटा, यहां तक आपको खुद को करना है जैसे मैम ने कराया है, ठीक है। अब मैं आपको बेटा ये वाला सम सोल्व करा रही हूं, ठीक है। बेटा अब देखिए, 144 प्लस 110 एंड 120, अब बेटा ये थ्री नंबर्स हैं, ठीक है ना, पहले तो हम टू नंबर्स वाले कर रहे थे, अब हमें क्या करना है, थ्री नंबर्स करेंगे। सबसे पहले मेंशन क्या करना है, वंस टेंस हंड्रेड, सबसे पहले नंबर क्या है बेटा, 124, तो यहां से वन से स्टार्ट करेंगे हम राइट साइड से, फोर टू वन, फिर क्या है 110 है, तो फिर ये इस नंबर को भी इसी तरह से बेटा लिखेंगे हम, राइट करेंगे जीरो वन वन, फिर क्या है 120 है, तो जीरो टू एंड वन, ठीक है। अब वो सेम तरीका बेटा उसी तरह से करना है आपको। अब देखिए फोर को जब हम जीरो जीरो, सबसे पहले क्या करेंगे हम, एट द डिजिट इन द वंस कॉलम को हम ऐड करेंगे, ठीक है। वंस कॉलम में कौन कौन से नंबर है, फोर जीरो जीरो है, तो फोर को जीरो से प्लस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, फोर। जब किसी भी नंबर को हम जीरो से प्लस करते हैं तो नंबर ही आता है, ठीक है, तो क्या जाएगा, फोर। अब टेंस कॉलम, एट द डिजिट इन द टेंस कॉलम, अब हम टेंस कॉलम में, टेंस कॉलम में कौन कौन सा नंबर है, टू वन एंड टू, तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम माइंड में रखेंगे, टू नंबर कीप इन माइंड एंड वन नंबर ऑन फिंगर। अब
वन नंबर फिंगर हो गए बेटा, अब टू नंबर हो रहा है ये देखिए, तो टू नंबर को भी हम फिंगर पर ही काउंट करेंगे, वन टू, ठीक है, टेक टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, टेंथ कॉलम में क्या आ गया बेटा, फाइव टेंथ आ गया। अब हंड्रेड प्लेस में हम प्लस करेंगे, एट द डिजिट इन द हंड्रेड कॉलम, हंड्रेड कॉलम में कौन कौन से नंबर है, वन 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 है, ठीक है, वन एंड वन टू, टू एंड वन थ्री, इक्वल क्या आ गया बेटा, 354 आंसर आ गया इसका, ठीक है। आप बेटा इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए अब इसमें से वंस प्लेस कौन कौन सा है, जीरो जीरो फोर, ठीक है, जीरो को फोर से प्लस किया तो क्या आएगा फोर, फोर को जीरो से प्लस किया तो क्या आएगा फोर। अब हम करेंगे टेंस, टेंस प्लेस में जो नंबर है उनको प्लस करेंगे, टेंस में क्या है बेटा टू है, इसमें क्या है वन है, इसमें क्या है टू है, टू एंड वन थ्री, थ्री एंड टू फाइव, देखो फाइव आ गया, ठीक है। अब हम हंड्रेड प्लेस वाले नंबर प्लस करेंगे, हंड्रेड प्लेस पर क्या क्या है, वन, इसमें क्या है वन और इसमें क्या है वन, तो क्या आ गया वन टू थ्री, थ्री आ गए, ठीक है। आप किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप इससे इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए बेटा 213 प्लस 315 प्लस 210, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, वही तरह सेम मेथड, ठीक है, पुट द नंबर इन द करेक्ट वर्टिकल कॉलम, पहले हम वर्टिकल कॉलम में इन्हें लिखेंगे, ठीक है, इससे बेटा आपको इजी हो जाएगा। सबसे पहले क्या है 213 है, 213 एंड 315 एंड 210, अब हम प्लस करेंगे। अब इसमें से देखना बेटा, एट द डिजिट इन द वंस कॉलम, वंस कॉलम में ऐड करेंगे, वंस कॉलम में कौन कौन से नंबर है, फाइव एंड थ्री नंबर है बेटा, जो नंबर बड़ा उसे हम माइंड में रखेंगे, फाइव नंबर कीप इन माइंड एंड थ्री नंबर ऑन फिंगर, काउंट ऑन फिंगर, वन टू थ्री, टेक फाइव सिक्स सेवन एट, तो क्या आ गया बेटा, वंस कॉलम में क्या आ गया, इन इन दोनों नंबर को ऐड करने पर एट आया। अब हम ऐड करेंगे, एट द डिजिट इन द टेंस कॉलम में ऐड करेंगे, टेंस कॉलम में कौन कौन से नंबर है, वन वन वन, ये बहुत इजी है ये तो बेटा, देखो वन एंड वन टू, टू एंड वन थ्री। अब हमें क्या करना है, एट द डिजिट इन द हंड्रेड कॉलम को हम प्लस करेंगे, हंड्रेड कॉलम में कौन कौन से है बेटा, टू थ्री एंड टू है, ठीक है, थ्री एंड टू क्या हुआ बेटा, अब इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है, थ्री है, थ्री को हम माइंड में रखेंगे, थ्री नंबर कीप इन माइंड एंड टू नंबर ऑन फिंगर, काउंट ऑन फिंगर, ठीक है, वन टू। अब दूसरा नंबर क्या है बेटा, सेकेंड नंबर टू है ये भी, वन टू, ठीक है। अब क्या आएगा, थ्री, थ्री के बाद क्या आएगा बेटा, फोर फाइव सिक्स सेवन, क्या है बेटा, सेवन हंड्रेड, ठीक है। अब क्या आ गया, 233 प्लस 315 प्लस 210 को हमने प्लस किया था, इक्वल 738 आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है आप सभी को। अब देखिए बेटा, अगर आपको ये सब समझ में नहीं आए तो बेटा आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, कि कहां से आपको समझ में नहीं आया। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, देखिए 100 प्लस 400 प्लस 300 वंस टेंस हंड्रेड, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, फिर हमें क्या लिखना है, 400 जीरो जीरो एंड फोर, फिर क्या है 300 जीरो जीरो एंड थ्री। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, ठीक है, जीरो को जीरो से प्लस किया जीरो, जीरो को जीरो जीरो से प्लस किया जीरो। अब 100 प्लेस पहले हमें क्या करना है, एट द वंस कॉलम जीरो आ गए, ठीक है, फिर टेंस कॉलम को प्लस करना है जीरो आ गए। अब क्या करना है, एट द डिजिट इन द हंड्रेड कॉलम्स, हंड्रेड कॉलम में क्या बेटा, फोर वन फोर एंड थ्री नंबर दिए हुए हैं, देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, फोर, फोर नंबर कीप इन माइंड एंड थ्री नंबर ऑन फिंगर, वन टू थ्री एंड वन, ठीक है, फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट आ गए। देखो बेटा अब मैंने आपको ये समझा दिया, शायद आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, आपको बुक में भी करना है और नोटबुक में भी करना है, ठीक है। और ये बेटा देखो, इस तरह से आपको डेट मेंशन करनी है और
डे, चैप्टर थर्ड, एडिशन, क्लास वर्क और होमवर्क। ठीक है बेटा, दोनों करना आपको और बुक में भी आपको करना है। आपका वर्क बेटा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बहुत सुंदर सुंदर। ओके, थैंक यू।